नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दो एक चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं। एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर धनाधन सुप्रीम कोर्ट में आदेश के बाद बैठक, उसमें एसबीआई को कहा गया है कि ये डेटा दीजिए, वो दीजिए। इलेक्शन कमीशन के पास भी कुछ डेटा था, अब वो भी सामने आ रहा है। उसमें बहुत सारी चीजें पता लग रही हैं और उसमें ये पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को गया। और इसके साथ साथ एक चीज जिसका मिलान अब होगा आगे चल के, जब डेटा और आगे आएगा तब ये पता चलेगा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये किस पार्टी को किस नेता ने दिए, ये एक बड़ी बात है। और माफ कीजिएगा, किस कंपनी ने दिए। ये क्यों कह रहे हैं हम, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अब तक वो मिलान नहीं हुआ है। अब तक ये नहीं मालूम है कि कौन से कॉरपोरेट घराने ने किस पार्टी को दिया है। दिया है ये मालूम, वो अमाउंट मालूम है, दिया हुआ अमाउंट मालूम है, वो लिंक नहीं अभी हो पाया है। एक तो ये गतिविधि। दूसरी चीज, आप जानते हैं कि नतीजे की डेट्स जो हैं वो काउंटिंग होगी 4 जून को और इलेक्शन होंगे 7 चरणों में। लेकिन ये जो 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, वो आजाद हिंदुस्तान का सबसे लंबा चलने वाला चुनाव हो जाएगा। 46 दिन तक चुनाव ही करते रहेंगे हम लोग, तो ये चुनाव इतने लंबे क्यों हो रहे हैं? और इसको लेकर के कुछ लोग संदेह प्रकट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि कहीं ये इसलिए तो नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पाए हुए बहुत सारे धन का उपयोग भारतीय जनता पार्टी घूम घूम करके बहुत ज्यादा प्रचार और रैली में इस लंबे खींचे हुए चुनाव में करना चाहती। स्वदेश सिंह जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वदेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वदेश जी, आपसे ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं और एक एक करके पूछेंगे। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा मामला है, अभी जो इलेक्शन कमीशन की नई डेटा है जो कि मुहैया करा दी गई है और वो वेबसाइट पर डल गई है, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 8,250 करोड़ रुपए मिले, यानी कि 9/3/2018 से 11/4/2019 तक 2,190 और 12/4/2019 से 24/1/2024 तक 6,060 करोड़, यानी कि टोटल 8,250 करोड़ रुपीस वाया इलेक्टोरल बॉन्ड। आपको नहीं लगता है बहुत ज्यादा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों की बात तो हम कर रहे हैं जो कि करनी भी चाहिए और इस पे अगर कुछ होता है तो वो होना भी चाहिए। जैसा कि आपने शुरू में इशारा कर भी दिया है कि अभी मिलान भी होना बाकी है, तो कहाँ से आए ये सारे इलेक्टोरल बॉन्ड और सारे जो विषय है वो सारी चीजें ध्यान में आएंगी। लेकिन संकेत जी, हमें पूरी पिक्चर देखनी, इसको पड़ेगी एक लार्जर पिक्चर देखनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी के अगर 303 सांसद हैं लोकसभा में, 100 राज्यसभा के करीब सांसद हैं, 1200 करीब विधायक हैं, 15 से करीब ज्यादा राज्यों में सरकार सीधे तौर पर या हिस्सेदारी की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि लोग अगर कहें तो जीतने वाले घोड़े पे भी दांव लगाते हैं। इस कारण से भी ये आ सकता है, इसका एक पक्ष हो गया। अगर इसी प्रकार से आप रीजनल पार्टीज को देखें तो जो रीजनल पार्टीज है, चाहे टीएमसी है, उसको भी 1,000 करोड़ से ज्यादा का चंदा पूरा मिला हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत। और इसके अलावा भी जो दूसरे अन्य राज्यों में जो क्षेत्रीय, जैसे टीआरएस पार्टी थी हाल फिलहाल तक तेलंगाना में सरकार में थी, उसको कितना चंदा मिला हुआ है। कांग्रेस पार्टी जहां कुछ राज्यों में सरकारों में थी उनको भी अच्छा चंदा मिला हुआ है, इसका एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष अगर आप देखें तो कम से कम आज की तारीख में, कभी भविष्य में जैसे कुछ लोगों ने प्रयास किया तो कुछ आंकड़े सामने आए और आप लोग ऐसी आवाज उठाते रहेंगे तो कुछ और आंकड़े सामने आ सकते हैं। लेकिन 2018 से पहले क्या संभव भी था कि इस तरह के आंकड़े सामने आ सके? पहले अननोन सोर्सेस से ऐसे चंदे दे दिए जाते थे और कभी सामने भी नहीं आते थे। 2015 से लेकर 2021 तक ऐसी 9 रीजनल पार्टियां थी देश की जिन्होंने अपना बैलेंस शीट तक सबमिट नहीं किया था इलेक्शन कमीशन को। तो क्या हम वैसी व्यवस्था चाहते हैं? ये परत दर परत, कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए हम बढ़ते चले जा रहे हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कम अब ये पता चल गया कि जो डोनर्स थे कौन, तो ये एक अच्छी शुरुआत। लेकिन स्वदेश जी, डॉक्टर सिंह, ये मकसद तो नहीं था इलेक्टोरल बॉन्ड आने का, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी तरीके से, हाँ इसमें पारदर्शिता इतनी जरूर थी कि जो दे रहा है वो चेक के माध्यम से दे रहा है, अपने बैलेंस शीट में उसको, अपने अकाउंट में उसको दिखा रहा है, यहाँ पर जो राजनीतिक दल है वो भी, मतलब कैश के बजाय वो चीज चेक से हो रही थी। लेकिन कौन क्या दे रहा है ये सारी बातें गोपनीय भी रह रही थी और इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने जो संदेह प्रकट किया और अब जो शुरुआती जांच में, क्योंकि अभी पूरा मिलान नहीं हुआ है, शुरुआती जांच में ऐसा संदेह ये भी प्रकट किया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें आप देखेंगे कि
क्विड प्रोको की बात हो रही है, यानी कि चंदा दिया और उसके बाद फिर कुछ धंधा मिल गया, या फिर ऐसी भी बात सामने आ रही है कि ईडी सीबीआई और आईटी की तरफ से कुछ रेड हुई और उसके कुछ समय बाद चंदा दे दिया गया। किसको दिया मैं अभी भी बोल दूं नहीं मालूम, वो धीरे धीरे करके पता लगेगा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक होना, आपकी बात समझ गया कि पुरानी व्यवस्था तो और भी बेकार थी, बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं थी, लेकिन ये व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट का ये टिप्पणी करना कि ये असंवैधानिक है, वो भी तो कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल सवाल खड़े करता है कि जो हमने जो व्यवस्था चुनी थी अब तक की, और जो सरकार उस समय थी उन्होंने शायद इसको सबसे बेहतर व्यवस्था माना कि कम से कम अब अकाउंट्स में पैसे जाएंगे और वो पैसे वाजिब पैसे होंगे, कैसे कह सकते हैं वाइट मनी होगी मतलब अकाउंट में, क्योंकि ट्रांजेक्शन शो होगा। आज कम से कम कंपनियों के नाम पता चल रहे हैं कि किन्होंने किस तारीख को, जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो पता चल रहे हैं। तो अभी बाद में ये भी मिलान भी हो जाएगा किस कंपनी ने किस पार्टी को चंदा दिया, तो अब उसके बाद उसी सीरीज ऑफ इवेंट्स को देखना पड़ेगा। ये थोड़ा और होमवर्क करने की जरूरत है, ये बोलना जल्दी होगी कि किसी जांच के कारण या किसी दबाव के कारण, क्योंकि लोग जो लोग इसका विरोध कर रहे थे राजनीतिक कारणों से, उन्होंने तो सोचा था कि टॉप लेवल पे कुछ और प्रकार की कंपनियां होंगी। ये सेंटियागो मार्टिन कंपनी कहां से आई? अब सेंटियागो मार्टिन कंपनी के मालिक के बेटे की अगर पॉलिटिकल पार्टी पता करेंगे तो उसका नाम है सीवीके, और सीवीके पार्टी जो है आज की तारीख में वो इंडिया अलायंस का सदस्य है। तो इसको एक तरीके से ही दिखा देना थोड़ा जल्दी होगी, मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा हूं, तो इसलिए अभी हमको इंतजार करना चाहिए कि इतना काम अगर हुआ है तो थोड़ा और रिसर्च हो जाए और उसमें मिलान भी हो जाए कि किस पार्टी को किस कंपनी ने चंदा दिया, क्या उन्हीं तारीखों के इर्द, क्योंकि आपने बहुत अच्छा दिखाया स्क्रीन पे वो तारीखें भी आ रही हैं, क्या उसके इर्द गिर्द यानी 6 महीने साल भर पहले या 6 महीने साल भर बाद तक क्या उसको कोई इस प्रकार नहीं हुई है? अभी अभी क्या है, आप सही कह रहे हैं कि कंजेक्चर पर हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग ऐसे एक अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि 50% के आसपास इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को गए जो टोटल इशू हुए थे अब तक के डेटा के हिसाब से, और ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा, जैसे कि अब ये सैंटियागो मार्टिन साहब हैं जिनकी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसने सबसे ज्यादा चंदा दिया, 1,368 करोड़ रुपए का चंदा दिया, सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला है। फिर भी जांच हो गई, आप देखिए आपने दिखाया न्यूज आइटम अभी नहीं, ये तो इसमें इसमें बहुत ऐसे भी मामले हैं डॉक्टर सिंह कि जांच पहले हुई है, ईडी की रेड हुई है और उस रेड के होने के 4 दिन बाद इन्होंने चंदा दिया है। अब किसको दिया है ये नहीं मालूम, जैसे कि ये देखिए फ्यूचर गेमिंग कंपनी 2/4/2022 को ईडी की रेड हुई, छापा हुआ, और उसके 3/4/5/6/7 5 दिन बाद 7 अप्रैल 2022 को 100 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया। क्या नहीं मालूम कि चंदा किसको दिया, बीजेपी को दिया, कांग्रेस को दिया, बीआरएस को दिया, डीएमके को दिया, नहीं मालूम, पता लगेगा। तो आपको नहीं लगता है ये सब ऐसे तमाम और मामले भी हैं वो ग्राफ चलते रहेंगे स्क्रीन पर? बिल्कुल, आपने जो कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसका मिलान भी करना चाहिए, तो वो मिलान होना चाहिए और उसके बाद और चीजें साफ आएंगी, लेकिन हमको जल्दी से कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। क्यों उसका कारण है? उसका कारण ये है कि जो आज तक की व्यवस्था हमने इलेक्शन फंडिंग की देखी है, पॉलिटिकल फंडिंग की देखी है, उसमें से सबसे बेहतर व्यवस्था 2018 में माना गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होंगे, क्योंकि उसमें जो ट्रांजेक्शन है, क्योंकि तब तक डिजिटल ट्रांसफर वगैरह बहुत ज्यादा हो चुका था, वो सबसे अच्छा ट्रांसफर का तरीका होगा कि आज की तारीख में सारे पैसे जो है एटलीस्ट है अकाउंट में। अब उसमें जो क्विड प्रो क्वो का जब एंगल जुड़ जाता है तब वो चीजें दूसरी दिशा में जाती है, अदरवाइज कम से कम चंदा सफेद धन व्हाइट मनी कहते हैं कोई काला धन कैश में बैग्स में भर के ऐसा नहीं दिया गया है। जो कि एक आरोप इसमें ये भी लगाया जा रहा है, जैसे कि अभी आज सुबह ही हम लोगों ने इंटरव्यू किया प्रशांत भूषण जी का, उनका ये कहना है ये तो एक बड़ी इस तरीके की व्यवस्था बना ली गई, जैसे कि आप इस इंटरव्यू में देख सकते हैं, वो ये कह रहे थे कि एक तो जानबूझ के एक व्यवस्था बनाई थी जिसमें यू लीगलाइज्ड करप्शन, कि आपने एक ऐसी स्थिति बना दी जिसमें आपने बहुत वाइट में कर दिया हिसाब किताब कि पैसा दो और धंधा लो, या दूसरी चीज जो केंद्रीय एजेंसी हैं वो एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने लगी, ये इनका आरोप है। आपका जवाब? जी संकेत जी, आप खुद ही देखिए सब कुछ सामने आ रहा है, तो जो लोग रहे होंगे उन्हें भी तो ये पता ही होगा कि अगर बैंक में पैसा ट्रांजेक्शन हुआ है तो किसी न किसी माध्यम से कभी न कभी पता तो चली जाने वाला है। अभी तो सिर्फ हम सिर्फ संदेह कर सकते हैं, जो हम स्पेकुलेशन कर सकते हैं, स्पेकुलेशन के अलावा कोई एलिगेशन बनता नहीं है
कि जब वो मिलान होगा उसी के इर्द गिर्द अगर चंदा दिया गया होगा, ये होगा का भाव बहुत ज्यादा है इसमें। हम तो इसको अभी तो हमें अभी तो वो बात वैसे पुरानी हो चुकी है, क्योंकि 2018 के लिए वो अच्छी बात होगी, क्योंकि वो बहस भी लंबी चल रही थी, इलेक्टोरल बॉन्ड लाने चाहिए और दुनिया की बड़ी अच्छी व्यवस्था है तो वहां के समय अच्छी थी। लेकिन तो जो प्रशांत भूषण जी जो बात कह रहे हैं कि कैसे कि कैश में जब देते थे पैसा तब भी तो दे ही सकते थे कि काम करा लो और बैंक में पैसा दे दो, उससे तो अच्छी व्यवस्था है कि काम अगर करा रहे हो तो कम से कम बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहे हो। आपको पता है यूएस में लॉबी सिस्टम चलता है, वो लोग अपनी बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं। शायद हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के कारण ही, लेकिन एक आगे बढ़ा हुआ कदम था इलेक्टोरल बॉन्ड, ये हमें पहले मान लेना पड़ेगा। उसमें और रेवोल्यूशन होने चाहिए और साफगोई होनी चाहिए, इस पे एक सहमति बननी चाहिए। जी आइए अब बात करते हैं इलेक्शन शेड्यूल पर, और वो ग्राफिक्स के माध्यम से यहाँ दर्शकों को भी दिखाएं और आपको भी दिखाएं कि किस तरीके से इलेक्शन साल मतलब हर बार बड़े होते चले जा रहे हैं। 2014 का देखिए एक बार फिर से, एक ग्राफिक आपको दिखा दें डॉक्टर सिंह, आप ये देखिएगा। फर्स्ट फेज हुआ 7 अप्रैल को, 9 से 10 चरण के चुनाव थे ये, और काउंटिंग हुई 16 मई को, तो टोटल 39 डेज का ये पूरी इलेक्शन की प्रक्रिया रही। ठीक, फिर आते हैं 2019 में फर्स्ट फेज हुआ 11 अप्रैल को, काउंटिंग हुई 23 मई को, 42 दिन का चुनाव हो गया। और अब 2024 में इलेक्शन कमीशन के हिसाब से फर्स्ट फेज 19 अप्रैल को है और काउंटिंग जो है वो 4 जून को है, यानी कि 46 दिन का चुनाव। आजाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फेज नहीं, सबसे ज्यादा 2014 था, लेकिन सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला बहुचरण का चुनाव ये होने जा रहा है। ये चुनाव इतने लंबे क्यों होते जा रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है डॉक्टर सिंह जी? देखिए, पहली बार पूरी दुनिया के लोकतंत्र में, वैसे तो इस साल 60 देशों में चुनाव हो रहे हैं और ये लोकतंत्र का उत्सव है जिसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, और उस लोकतंत्र के उत्सव में भी जो सबसे बड़ा उत्सव अगर कहीं मनने जा रहा है तो भारत में। उतना यूरोप और अमेरिका की पॉपुलेशन नहीं है जितने तो यहाँ इलेक्टोरेट हो गए, करीब 100 करोड़ 96 करोड़ इलेक्टोरेट होने जा रहे हैं, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा इलेक्टोरेट है, और हम लोग उसके माध्यम से चुनाव करने जा रहे हैं। तो चाहे वो हिमालय हो, चाहे केरल हो, चाहे कोई रेगिस्तान का हो, तो सब जगह इस तरह होने जा रहा है। और आपने सुना होगा कि जहां थोड़े इलीट पॉपुलेशन रहती है वहां पे वोटिंग परसेंटेज साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, ये सब जगहों पे कम होते जा रहा है। इस बार इलेक्शन कमीशन एक ऐसी व्यवस्था भी ला रहा है कि आपके पास एक साइजेबल नंबर हो, 1000 या 3000 वो नंबर है, तो आप अपने अपार्टमेंट में भी वो पोलिंग बूथ के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ये तमाम व्यवस्थाएं इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है, वो भी शायद आने वाले दिनों में और ज्यादा हमें सामने आए। तो जो हमारा अगर इलेक्ट्रेट बहुत बड़ा हो जाता है तो सिक्योरिटी फोर्सेज का जो ट्रांसफर है, और जिस तरह की गर्मी अब थोड़ी जल्दी पड़ने लग जाती है, उसको देख के सिर्फ 4 दिन की ऐसे बढ़ोतरी की गई है, उसको हम बहुत नहीं कह सकते कि एकदम से कोई एक टेंजिबल नंबर्स में वो डेज बढ़ गए। लेकिन आप ये देखिए, फेज नंबर 2 और फेज नंबर 3 के बीच में 12 दिन का गैप, 12 दिन का गैप देने का, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि अगर हमारे देश में, आपका लॉजिक एकदम सही है, 97 करोड़ जो है वो इलेक्ट्रेट हो गए सर, ठीक है, पिछली बार ये फिगर 90 कुछ था और 2014 में मेरे ख्याल 83 करोड़ इलेक्टोरेट थे, तो ये नंबर ऑफ इलेक्टोरेट बढ़े हैं, बिल्कुल 100% करेक्ट। लेकिन फिर उस हिसाब से व्यवस्था भी तो इम्प्रूव हुई है और बढ़ी है जी, है ना। तो ये हम लोग इतना लंबा करने, क्योंकि जो राजनीतिक रूप से आरोप लग रहा है और कहा जा रहा है बहुत सारे कॉमेंटेटर्स, उनका ये कहना है कि सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड पाई हुई पार्टी बीजेपी, सबसे ज्यादा धनी पार्टी बीजेपी, तो अपने रिसोर्सेज, अपने धन बल का प्रयोग सबसे ज्यादा चुनावी प्रचार में कौन करेगी? बीजेपी। तो अगर 12-12 दिन का गैप होगा तो 12-12 दिन तक ज्यादा पैसा लगा करके प्रचार कौन करेगा? बीजेपी। यानी कि एडवांटेज बीजेपी, डिसएडवांटेज ऑपोजिशन, क्योंकि प्रचार करने का तो उनके पास भी समय पसंद नहीं। बहुत मैसेज चल रहे थे, अब देखिए क्या, टीएमसी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचार करने तो आएगी नहीं, वो तो बंगाल में ही प्रचार करेगी, या बीआरएस जो है वो तेलंगाना में ही करेगी, या डीएमके जो है तमिलनाडु में करेगी, उनको भी तो काफी दिन मिल रहे हैं, उनको फोकस। अगर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, वो करीब 400 प्लस सीट पे चुनाव लड़ेंगे, तो वो अगर उनको उनको तो उस तरह से कम समय मिलेगा पूरे इस समय में, उनको तो सिर्फ एक स्टेट में चुनाव लड़ना है, या आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी को 4-5 स्टेट में चुनाव लड़ना होगा। तो ये पूरा लॉजिक बेईमानी हो जाता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक स्टेट की पार्टी है तो आपको तो और लंबा समय मिलने जा रहा है। ये आरोप के लिए आरोप या विरोध के लिए विरोध करने की जो राजनीति है,
इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि अगर वो इलेक्शन प्रोसेस बढ़ रहा है तो सबके लिए बढ़ रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस ट्रांसफर होंगी तो सबके लिए होंगी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, अब जैसे माने टीएमसी है उसके 22 एमपी है, 1022 करोड़ करीब रुपया उसको मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड में, तो क्या मैं आरोप लगा दूं कि एक स्टेट की पार्टी, एक राज्य की पार्टी, एक राज्य इसको अगर भाग दे दीजिए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से, 400 सांसद उसके हैं, 1022 करोड़ टीएमसी को मिले हैं, 22 सांसद पर सांसद, तो ज्यादा फंडिंग आप कर सकेंगे अपने चुनाव के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी कर सकेगी? या मैं किस बीआरएस का आप देख लीजिए और कम है ये नंबर, नंबर सांसदों के कम है, देखिए उनको रिसोर्स कितना मिला हुआ है, तो ये मैथमेटिक्स और ये सब केमिस्ट्री इस तरह बनती नहीं है। एक प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ने हमें बनाया है, हमको उस पर विश्वास रखना पड़ेगा। अब हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं कि इतने दिन के लिए विकास प्रक्रिया रुक जाएगी, अरे भाई कितने चुनाव की प्रक्रिया है उसको हम लोग, अगर वो सबसे अच्छी तरीके से हो जाएगी, लोगों को चुनने का सबसे अच्छा समय मिलेगा सोचने का, इसका ये भी तो एक पक्ष हो सकता है कि आपको यानी इलेक्ट्रेट को, वोटर को मैनिफेस्टो पढ़ने का, समझने का, चुनाव के दौरान कैंडिडेट प्रचार ज्यादा लंबे समय तक कर सके, अभी सिर्फ संसाधन ना खर्चा करे, डोर टू डोर कैंपेन ज्यादा हो जाए, मंडल का जिले का कार्यकर्ता ज्यादा देर तक लोगों के बीच में रह सके, हम अपने राजनीतिक समाजीकरण पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो लोगों का करते हैं, वो एक समझ जो बढ़ाते हैं मतदाता की जानकारी जागरूकता, वो ज्यादा देर तक कर सकेंगे, इसका एक पक्ष ये भी तो हो सकता है। नहीं तो हम करते क्या है कि एक महीने बाद इलेक्शन होता है, 15 दिन 7 दिन की कैंपेन होती है, 15 लाख 20 लाख के वोटर होते हैं उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में, कैंडिडेट पहुंच तक नहीं पाता है तो रिसोर्सेज ज्यादा लगते हैं, जब वो ज्यादा जगह पहुंच पाएगा, ज्यादा नुक्कड़ सभाएं कर पाएगा तो रिसोर्सेज कम भी तो लगेंगे, तो बहुत सारे लॉजिक दिए जा सकते हैं संकेत जी। ये आरोप के लिए आरोप और विरोध के लिए विरोध की राजनीति होनी नहीं चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए अपने इंस्टीट्यूशंस पे, चुनाव आयोग पे या सुप्रीम कोर्ट पे। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है तो मिलान होना चाहिए और चीजें सामने आनी चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड में, उसी प्रकार से हमें चुनाव आयोग पे भी विश्वास रखना चाहिए। अगर वो अपार्टमेंट कल्चर देश में बढ़ा है, क्या देश में कुछ नहीं तो 100 से ज्यादा शहरों में अपार्टमेंट कल्चर आया हुआ है, उस अपार्टमेंट में पोलिंग बूथ बनेंगे, उसको सेटअप किया जाएगा विशेष रूप से, वो प्राइमरी स्कूल में जाना नहीं चाहते उस अपार्टमेंट के एसी में रहने वाले लोग, इतनी गर्मी में लाइन में नहीं खड़े होना चाहते, उसको इकट्ठा करना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा अलग अलग जगह से, तो एक अच्छा एक पारदर्शी प्रोसेस है, इस पे हमको विश्वास बनाए रखना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। थैंक यू।